क्या भैया आपने अपना क्या हाल बना लिया है भैया हर वक्त खेती बाड़ी में लगे गए भैया ऐसा करो मेरे साथ शहर चलो अब मुझे एक लफ सुनना बस मैं आपको शहर लेके जाऊंगा आप बस यहीं तक महदूद होकर रह गए हो आप शहर चल के तो देखो शहर कितना हसीन है वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं भैया मेरे साथ शहर चलो हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे खूब पैसा कमाएंगे बस मैं प्राथ्तिक ट्रेन करवा रहा हूँ हम निकलेंगे आज ही छोटे तूने तो मुझे बिल्कुल नौकर बना के रख दिया जब से नहा लाया है क्या भैया अभी तक घर का काम भी नहीं किया आप जानते हो ना आप कोई काम नहीं करते चलो जल्दी वैक्यूम करो डस्टिंग भी करनी है भैया मैं तो ऑफिस में गया हुआ था

रोटी ऐसी मिल जाती भैया मेहनत करनी पड़ती है बस आपको तो यही लग रहा है छोटे मेरे टाँग में देख कितनी तकलीफ हो रही है तो भैया सबके साथ होता है अब आपने घर जाने की तैयारी करो आप मेरे को बोझ बन गए हो मैं आपको देखू या अपने काम को देखू अब मैं आप किसी काम के नहीं रहे कैसा हो गया मेरा छोटा भाई हम ऐसा नहीं सोचा था मेरा छोटा भाई ऐसा हो जाएगा दोस्त दोस्त रहा रहा भाई भाई ना रहा। क्या हुआ आप क्यों रो रहे हैं मैंने आपको बहुत तकलीफ में देखा बताइए मुझे क्या हो गया आपके साथ आप क्यों इतना रोए जा रहे हैं मुझे अपना मसला बताइए मैं सबकी मसले हल करती हूँ आप क्यों इतना रोए जा रहे हैं कुछ तो कहिए क्या परेशानी है आपके साथ क्या मुश्किल आ गई है क्या बताऊं तुम्हें तुम हो कौन तुम जानती हो मेरा भाई मुझे शहर लेके आया था कहता था दोनों मिलके मेहनत करेंगे पर उसने तो मुझे यहाँ लाके नौकर ही बना दिया हर काम उससे करता है कुछ दिनों पहले मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं गिर गया तो उसने कह दिया मैं उसके किसी काम का नहीं रहा उसने बोला मैं उस पर बोझ बन गया हूँ उसने मुझे घर से निकाल दिया अब मैं कैसे गाँव तक जाऊंगा मेरे पास तो गांव जाने के पैसे भी नहीं है ऐसा है तुम्हारे भाई ऐसा तुम्हारे साथ आज कल के लोग है, मुझे की दुनिया में। भाई भाई रहा है ही नहीं आजकल खून सफेद हो गया है तुम फिक्र नहीं करो तुम सच्चे इंसान हो तुम देखना मैं तुम्हें कितनी जल्दी अमीर कर दूंगी ये देखो ये आसा तुम्हारा घर है सच्ची घर है यही आसा तुम्हारा घर है तुम देखो अपने घर में जाके तुम्हें सब कुछ मिलेगा तुम मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा इतना बड़ा घर है हाँ, मुझे तुम तुम एक सच्चे इंसान लगे ये ये देखो तुम्हारे घर में चीज मिलेगी तुम्हें।, तुम्हें आराम से रहो मुझे लगता है ऊपर ऊपर वाले ने मेरे कुछ खजाना खोल दिया है मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा घर और वो मेरा ऐसा कैसे हो सकता है ऊपर वाले ने मुझे मेरे सबर का फल दे दिया मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया मेरा सारा घर तबाह हो गया इतना आसीन भैया की कोई लॉटरी शोटरी लग गई क्या चलो भैया से माफी मांग लेता हूँ वो मुझे माफ कर देंगे

पैसे लगाते हैं आपका पैसा है मैं मेहनत करता हूं मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ हम बड़ा सा कारोबार कर लेंगे भैया फिर देखेगा नाम होगा बस छोटे मैंने देख लिया तूने बुरे वक्त में मेरे साथ क्या किया तू मुझे शहर में नौकर नौकरी बनाने के लिए लाया था मुझे पता है शहर में नौकर मुश्किल से मिलते ना बहुत महंगे होते तूने सोचा बड़ा भाई के उल्लू बन जाएगा तो इसलिए मुझे शहर लेके आया था और जब मेरी चोट लगी मैं तेरे किसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने मुझे बहुत समझ के घर से निकाल दिया मैं तेरी सच्चाई देख चुका हूँ तुझे ये बात नहीं पता कि इंसान अपने नसीब का खाता है देख तूने मुझे घर से निकाला और आज तू मेरे पास आ गया देख मेरा नसीब का मुझे खुद मिल गया भैया मुझे माफ कर दो तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस ऐसे हमें ये सबक मिलता है कि हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने नसीब का खाता है प्लीज मेरे चैनल के जाग को लाइक कीजिए थैंक यू